अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल फरियाद की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार मुराद अपने अंजाम को पहुंच जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हारून की वालदा को भी आखिरकार अपने बेटे की खुशी का एहसास हो जाता है और वो महानूर और हारून की शादी के लिए मान जाती हैं। उधर हसीना और मलका अपनी वालदा को ढूंढ कर घर ले आती हैं। जब मुराद की वालदा को मुराद की मौत का पता चलता है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागल हो जाती हैं। वो हसीना से कहती हैं, मुराद आने वाला है, वक्त पर खाना बना कर रखना। वो बहुत नाराज होता है अगर उसको वक्त पर खाना ना मिले तो, बस उसी का इंतजार है, वो आ जाए तो साथ ही खाना खाएंगे। अपनी वालदा की हालत को देखकर हसीना और मलका बहुत दुखी हो जाती हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि हसीना माँ बनने वाली होती है। वो ये खुशखबरी आकर शुएब को सुनाती है कि तुम बाबा बनने वाले हो। ये सुनकर शुएब बहुत खुश होता है और हसीना से कहता है, क्या वाकई तुम सच कह रही हो? इस पर हसीना मस्बत में सर हिलाती है। जबकि दूसरी तरफ हारून और उसके वालदैन महानूर के घर जाते हैं ताकि हारून और महानूर की शादी की बात कर सकें। हारून के वालिद महानूर की वालदा से कहते हैं कि हम यहाँ महानूर का हाथ मांगने आए हैं, जिस पर महानूर की वालदा कहती हैं कि नाजिया बहन को कोई एतराज तो नहीं। इस पर हारून के वालिद कहते हैं कि नाजिया को कोई एतराज नहीं है। इसकी मुस्कुराहट ही इसका जवाब है। वो महानूर से कहते हैं कि महानूर हमें तुम्हारी हाँ सुननी है। इस पर महानूर कहती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और हैरत से महानूर की तरफ देखते हैं, मगर महानूर जल्दी ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी और हारून और महानूर की शादी हो जाएगी। आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।